हाय गाइस, बात करते हैं आज स्टॉक की एक आईएस की। मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ पहले। तो आप देख रहे हो ये बॉटम्स पे एकदम अपने स्टॉक, और ये स्टॉक रफली 2 अप्रैल 19 से लेकर मतलब लगभग 3 साल हो गए कंसोलिडेट कर रहा है। ना कोरोना में ऊपर आया है और ना इससे उसको इफेक्ट पड़ा। और अब आप देखोगे तो रिसेंटली इसके अंदर वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है, इधर वॉल्यूम इधर वॉल्यूम। स्टार्ट करते हैं, ये दिया इसने वीकली में ब्रेकआउट अपना। और अगर आप इसकी वो कैलकुलेट करो रेंज, सेकंड ऊपर कैलकुलेट कर ये इसकी रफली रेंज है जो इसने ब्रेकआउट करी है। तो अगर हम इसके थ्रू अपना अगला टारगेट निकालते हैं रेंज के थ्रू, अगर हम ब्रेकआउट यहाँ से, तो हमें रफली टारगेट मिलता है 242 का, और वहीं पे हमारे को अगली रेजिस्टेंस दिख रही है, दैट इज 229। तो ये स्टॉक डेफिनेटली मल्टी बैगर हो सकता है। आज 5% डाउन है, उसके अगला टारगेट है 352। हमें ये स्टॉक एक बहुत बड़ी रैली पे भी दिख सकता है, हो सकता है ना भी काम करे। तो अगर आपको एंट्री लेनी है आप अभी एंट्री ले सकते हो, अच्छा पॉइंट है। मैं पोजिशन बना चुका हूँ, ये मेरी आज की पोजिशन चल रही है 3.2 पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी पोजिशन। ये ISFT देखो, मैं एक पोजीशन ले चुका हूँ, दूसरी कंफर्मेशन जैसी और मुझे मोमेंटम दिखेगा मैं दूसरी एंट्री लूंगा। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है, क्योंकि डेफिनेटली जिसमें 5% अप डाउन हो रहा है, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक हो गया। इसका जो हमें स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा 107 का, और टारगेट तो आप देख ही रहे हो। टारगेट मैं यहाँ पे हाफ पोजिशन सेल कर दूंगा अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस पे, और दूसरी पोजिशन कैरी करना चाहूंगा जब तक स्टॉक मोमेंटम में रहेगा। बाकी हमें डेफिनेटली एक मल्टी बैगर हो सकता है, और ये शॉर्ट एनालिसिस था, एक शॉर्ट स्टॉक की मैंने पोजीशन ली है। मैं वही स्टॉक्स मोस्टली प्रेजेंट करता हूँ छोटी वीडियो में जिसमें पोजीशन लेता हूँ। अगर मैं पोजीशन नहीं लेता तो मैं ऐसे ही नहीं देता, क्योंकि अब मेरी कोई वीडियो देख लो मैं सब में एक ही चीज़ कहता हूँ, एनालिसिस करना बहुत आसान है, ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे आगे टारगेट दे देना बहुत ईजी होता है, पर ट्रेड करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल और बहुत पेशेंस का काम है। थैंक यू।